हम बहुत खुश हैं कि बालवीर के सत्कार समारोह को आप सब ने मिलकर इस सदी का सबसे बड़ा जश्न बना लिया। और इस खूबसूरत रंगारंग महोत्सव के लिए हम आप सभी परियों और यहाँ आए बच्चों को बधाई देते हैं और शुक्रिया कहते हैं। और हम सभी बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप सब बालवीर को प्यार करते रहेंगे, उस पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक आप सबका प्यारा दोस्त, आपका बीबी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और वो जैसे आप सबकी और अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करता आया है, वैसे ही करता रहेगा। और इसीलिए हम अभी इसी शुभ पल में बालवीर की सारी शक्तियां उसे वापस प्रदान करने की आज्ञा देते हैं। बालवीर को उसकी शक्तियां प्रदान करना आरंभ किया जाए।
खुश रहो बालवीर, खुश रहो। 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 खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। अब अंत में बालवीर, इन सभी शक्तियों के अलावा हम आपको एक नई शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, जिसका नाम है चुंबकीय शक्ति। और ये शक्ति आपके दंड में नहीं बल्कि खुद आप में समाएगी, और आप इसका बिना दंड के अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। रानी परी, परियो और यहां बैठे सारे बच्चे जो मेरे दोस्त हैं, आप सभी मेरी असली ताकत हैं। और सच्चाई और अच्छाई पे मेरा विश्वास मेरी वो ढाल है जिसे बुराई का कोई भी तीर भेद नहीं सकता। इसीलिए जब तक आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, मैं बुराई को कभी भी अच्छाई के सामने सर उठाने नहीं दूंगा। और मैं आप सबको वादा करता हूं कि बुराई के हर वार को परीलोक और बच्चों तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा। शाबाश बालवीर, शाबाश। हवाओं के रुख के साथ तो सभी उड़ते हैं, लेकिन जो हवाओं के विपरीत उड़ता है वही नई ऊंचाई को छूता है, जैसे आपने कर दिखाया है। शुक्रिया माँ। और मैं आपकी ये सीख यहां बैठे सभी दोस्तों को भी देना चाहूंगा कि वो मुश्किल के समय में अपनी हिम्मत ना हारे, बल्कि और डटकर उसका सामना करे, क्योंकि हम अपने आत्मविश्वास से बड़ा पर्वत भी हिला सकते हैं। तो ये छोटी मोटी मुश्किलें हमारे सामने कुछ नहीं है, बस आप सब खुद पे और अपने बालवीर पर भरोसा रखें। बस अब मेरा ये गोंद का रूप रानी परी के डंड को धरती से चिपका देगा, फिर तीर छूटने के बाद रानी परी चाह कर भी अपने डंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और उस तीर को रोक नहीं पाएगी।
तीर का निशाना तो बालवीर की ओर है। कहीं ये बालवीर पर कोई जानलेवा हमला तो नहीं? हमें इस तीर को बालवीर को लगने से रोकना होगा। अरे हमारा ये दर्द यहाँ चपक कैसे गया है? ये छल परी के संगीत की पकड़ है रानी परी। इससे एक बार जो चिपका फिर वो इससे छूटता नहीं है। लेकिन हाँ रानी परी, उस तीर के लगते ही बालवीर तितलियों में बदल जाएगा। परी खत्म। परियो सावधान, यहां जो दुश्मन है वो बच के नहीं जाना चाहिए। सुरक्षा पहरा और भी कड़क कर दिया जाए। क्यों बढ़वा, सारे द्वार बंद कर दिए जाए। परी, मेरे वार से सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बालवीर भले ही बच गया हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की मूर्ति रानी परी वो तो समाप्त हो ही गई। माँ, रानी परी ठीक तो है ना? वो ठीक हो जाएंगी ना? बेटा,
अच्छाई की राह पर जो चलते हैं ना, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। हे भगवान, रानी परी की रक्षा करना। विषधार परी, परीलोक की चारों सीमाओं का सुरक्षा कवच और भी कड़क कर दिया जाए। आक्रमण करने वाली बुरी शक्ति को हमें हर हाल में पकड़ना होगा। सारे बच्चों को और उनके परिवार वालों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। और हाँ, ध्यान रहे कि उन्हें कुछ भी याद ना रहे। जी बालपरी। बालपरी, हमें रानी परी को जल्दी से जल्दी चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी कक्ष में ले जाना चाहिए। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। डूबा डूबा एक जल्द से जल्द चिकित्सा वाहन को बुलाया जाए। रुको परियो, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? बहुत देर हो चुकी है। ये शास्त्र प्राण घातक है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन हम खुश हैं कि हम बालवीर के प्राण बचा सके और उसे उसकी शक्तियां लौटा सके। बालवीर, आप और परियां अपनी शक्तियों से अच्छाई और सच्चाई को कभी हारने मत देना। मुझसे मेरे परीलोक की राज गति छीनने वाली रानी परी इसलिए बनकर उड़ गई। चलो कोई बात नहीं बालवीर, तुम ना सही मगर तुम्हारा सुरक्षा कवच ही रानी परी। रानी परी तो 150 सालों के लिए खत्म हो ही गई। शाबाश चट परी, शाबाश।